नमस्ते, एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स की, यानी लसीकरण की। आइए पूछते हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बेला डॉक्टर से और लेते हैं जानकारी वैक्सीन्स के बारे में। तो डॉक्टर बेला, आप हमें ये बताइए कि ये पेनलेस वैक्सीन जो आजकल आए हैं वो क्या होता है? पेनलेस वैक्सीन आजकल मिलता है, जो हम जानते हैं जो ट्रिपल वैक्सीन या डीपीटी वैक्सीन होता है, जो बरसों से हम देते आ रहे हैं, तो सबको पता था कि उसके बाद बच्चे को थोड़ा एक दो दिन के लिए बुखार आता है, वहाँ दर्द हो सकता है, कभी गट्ठा भी हो जाता है, वहाँ पर बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो डीपीटी वैक्सीन होता था उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते थे। तो डीपीटी में जो पी फ्रैक्शन है, जो पी पार्ट है, वो जो पर्टुसिस वैक्सीन होता है या हम उसको बोलते हैं काली खांसी, तो उसके वजह से जो होल सेल वैक्सीन होता है उससे ये बुखार वगैरह सब आते हैं। अब नए टेक्नोलॉजी से ऐसा हो गया है कि ये जो पी फ्रैक्शन है, जो पी पार्ट है, उसको हम ए सेल्युलर बना दिए हैं और उससे वो उससे पेन वगैरह नहीं होता है। तो जो डीपीटी का वैक्सीन है, जो आजकल कभी कभी 4 के साथ भी आ सकता है, 5 के साथ भी आ सकता है, 6 के कॉम्बिनेशन में भी आता है, वो पार्ट है जो हम पेनलेस बना सकते हैं, तो ये पेनलेस वैक्सीन कहलाया जाता है। जो बाकी के सारे वैक्सीन्स होते हैं, जैसे MMR है, टाइफॉइड है, वो सेम ही है, उनमें दर्द खास होता नहीं है। जब हाँ सुई लगती है तब तो दर्द होता है, बाकी तो उनके बाद का रिएक्शन कोई नहीं होता। यानी डीपीटी वैक्सीन में 2 दिन के बाद जो किसी किसी को बुखार या दर्द आता है वो ये पेनलेस वैक्सीन लगाने से कम आता है या नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है, मोस्टली तो नहीं आता है। तो इस वजह से इस वैक्सीन को हम पेनलेस मानते हैं। पर जब हम लगाते हैं तो वो उस समय तो जो सुई का पोक होगा, दर्द होगा, वो तो दर्द थोड़ा बहुत होगा ही। वैक्सीन्स जो हम देते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हमारे बच्चे को जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आमतौर पर तो कोई खास साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, आजकल काफ़ी सेफ हो गए हैं सारे वैक्सीन्स। हल्का बुखार आना हो सकता है, थोड़ा लोकल पेन हो सकता है, इसके लिए हम कोई भी दवा दे सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल होता है, तो उससे हम इस साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। कभी थोड़ा बर्फ़ लगाएंगे तो उससे भी कम पेन होगा बच्चे को, कम सूजन आएगा वहाँ पर। और इसके लिए प्रिकॉशंस लेना यही है कि बस हम बच्चा हेल्दी हो जब हम उसको वैक्सीन दे रहे हैं, और अगर हम ये पैरासिटामोल दें तो उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो बाय एंड लार्ज कोई, हाँ बहुत कभी कभी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसी बच्चे को, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और ये तो फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा एलर्जिक किस्म के होते हैं, उनको कोई भी दवा का एलर्जी हो सकता है। ये ज़्यादा करके हम देखते नहीं, हम बहुत सारे बच्चों को देते हैं वैक्सीन, हमने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं है। बताइए कि अगर बच्चा बीमार है तो उसे वैक्सीन दे सकते हैं क्या? नहीं, मामूली सा उसको कोई बीमारी हो, जैसे हल्की सी सर्दी खांसी या उल्टी जुलाब, उसमें वैक्सीन देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा ज़्यादा बीमार हो, बहुत तेज़ बुखार हो, या उसके कोई दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हों, तो फिर उस समय में शायद बेहतर होगा कि आप उसको डिले कर दें। डिले करने में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है कि फिर हमको भूल नहीं जाना चाहिए कि वैक्सीन हमको देना है बच्चे को, पर हल्के बीमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं जिनके 3 या 4 डोसेस होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट डेट पे वो डोज लेना माँ भूल जाती है या किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही टाइम पर वैक्सीन दें, लेकिन अगर किसी कारण हमारा मिस हो जाता है तो कैचअप करना पॉसिबल है। मतलब वही वैक्सीन जहाँ से छूट गया है वहीं से हम बाकी के वैक्सीन देना जल्दी से जल्दी हमें दे देना चाहिए। जैसे समझो अगर हम 2 डोज दे चुके हैं डीपीटी का और तीसरा हमारा डिले हो गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से फर्स्ट डोज से स्टार्ट करें, हम तीसरे डोज को दे सकते हैं और फिर कैचअप बूस्टर्स दे सकते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, हम कंटिन्यू हमारा शेड्यूल कर सकते हैं और जितना हो सकता है हमारा शेड्यूल हमको पूरा करना चाहिए। कोई एक ऐसा वैक्सीन है जो कोई एज के बाद नहीं दे सकते हैं, तो वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये वैक्सीन अब हम दे सकते हैं या नहीं, कि जितना हो सकता है हमें वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर बेला, आज हमने वैक्सीन्स के बारे में
जो आम लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं उसकी जानकारी ली, और अगर जानकारी की ज़रूरत हो तो आप SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।